ये बदलते मौसम में जो फीवर आता है इसके लिए कोई मेडिसिन आप सजेस्ट करेंगे? इसकी इंडिकेशन ये है कि जैसे जनरली किसी को अचानक बुखार आ गया तो एक मिनट 30 अगर कोई रखता हो उसका एक दो थोड़ा घी दिया जाए एक दो आराम मिल जाएगा दो घंटे के घंटे में। इसमें नुकसान नहीं होगा, कोई किसी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऊंची शक्ति देने वाले प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए कोल्ड जो मैंने अभी फीवर के लिए आपको बताया एकोनाइट 30 मामा जी ने बताया 30 पावर में, तो और अगर चेहरा उसका लाल है बच्चे का चढ़ा हुआ है तो बेलाडोना का प्रयोग करें। चेहरा लाल है आँख चढ़ी हुई है तो बेलाडोना का प्रयोग। अगर वो सुस्त है चेहरा जो है डल है सुस्त है और आँख बन के पटाया हुआ है चढ़ा हुआ है गायनिया एजेंट की एजेंसी में साथ दे सकते हैं 30 गायनिया दे सकते हैं जल्सीमियम के साथ में अल्टरनेट अल्टरनेट दे सकते हैं। अगर वो भीगने का लड़का भीग गया है ये बहुत अच्छी चीज मामा जी ने बताई कि भीगने बच्चों को पानी बहुत पसंद होता है सर, हो जाए ऐसे मौसम में भीगते हैं तो ये चीज प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए मामा जी ने रस्टक्स बताया। और अगर मान लीजिए भूख लग गया बच्चे को उस कंडीशन में ट्रेमर हो गया होना 30 पावर में दोनों क्रम से एडमिट किया जाएगा। अक्सर बच्चों को जो है ठंडे के लिए ड्यूटी भी होती है तो उल्टी कंडीशन में आसन के सकते ठंडा लग गया तो आप क्या नाम है एकोनाइट का प्रयोग भी कर सकते हैं, है ना? ठीक है, तो ये जो फीवर की जो कंडीशंस थी देखिए इतना हम नॉर्मल लोग इतना ब्रीफ में नहीं बता सकते हैं मामा जी क्योंकि वो प्रोफेशनल है, उन्होंने हर कंडीशन में आपके लिए इतना ज्यादा मतलब बताया है कि इस कंडीशन में है इस कंडीशन में काफी सारे कंडीशंस कवर हो गई है।